हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीदें अच्छे से होंगे। गाइस, आपने जैसे कि टॉपिक देख ही लिया होगा, आज मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको पढ़ाने जा रहा हूं। गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत दिनों से लोगों को इंतज़ार था। गाइस, कैटालिसिस क्या होता है, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। गाइस, कैटालिसिस क्या है और वो कैटलिस्ट क्या होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियोस में भी किया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पहले उस वीडियो को देखिए। और कैटलिस्ट जो पेरोक्साइड की बात मैंने की है, जब हमने स्टेप इनिशिएशन प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन फेजेस में हमने जब यूज़ किया था थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के लिए, तब जो मैंने कैटलिस्ट का नाम लिया था और बोला था जो मैं बाद में लेक्चर बनाऊंगा, आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। गाइस, कैटलिस्ट कुछ नहीं है, कैटालिसिस एक केमिकल रिएक्शन है जो कैटलिस्ट के द्वारा होता है। व्हाट इज़ अ कैटालिसिस? जैसे कि आप देख रहे हैं, कैटालिसिस इज़ अ केमिकल प्रोसेस और अ रिएक्शन ब्रॉट अबाउट द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के द्वारा होने वाला ही कैटालिसिस प्रोसेस कहलाता है और वो कैटलिस्ट के द्वारा होता है। अब कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट एक मटीरियल है दोस्तों, एक केमिकल मटीरियल है, इसमें मेंशन नहीं है, एक केमिकल मटीरियल दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। गाइस, जनरली से हमने सुना होगा जो केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, बट उसमें बहुत सारे चेंजेस है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। व्हाइल इटसेल्फ नॉट अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज, कोई भी परमानेंट चेंज नहीं करता, लेकिन जब रिएक्शन होती है उसके दौरान रेट केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है कैटलिस्ट, और उस वो जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा होता है उस प्रोसेस को हम कैटालिसिस कहते हैं। इसको इस तरीके से समझिए, जब कैटालिसिस वाज इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट अर्लियर एज 1836 में ब्राजीलियस द्वारा कैटालिसिस टर्म का इंट्रोड्यूस किया गया था 1836 में। गाइस, अब हम बात करते हैं उसकी क्लासेस की। बेसिकली देखा जाए दो क्लासेस होते हैं कैटालिसिस के, फर्स्ट वन इज़ अ पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड द सेकेंड वन इज़ अ नेगेटिव कैटलिस्ट। दो क्लासेस में ये बटे होते हैं। जो हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है, एंड नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके दोस्तों, इंक्रीज तो आपको पता है, लेकिन डिक्रीज वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, तो हम आगे लेसन्स में देखते हैं। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रेजिलियस, जो अकॉर्डिंग टू ब्रेजिलियस की बात करें, वो एक साइंटिस्ट थे। द नेम कैटालिसिस वाज कॉइन्ड बाय ब्रेजिलियस इन 1836। ये नाम पड़ा ब्रेजिलियस द्वारा 1836 में। ही कंक्लूड द बिसाइड्स एफिनिटी अ न्यू फोर्स इज ऑफर नेटिव द कैटालिटिक फोर्स। ये कंक्लूडेड हुआ कि एफिनिटी एक नया फोर्स उत्पन्न होता है कैटलिस्ट द्वारा, वो कैटालिटिक फोर्स कहलाता है। With this try to focus the behavior of some substance permit instead reaction of decomposition or a synthesis. मतलब try किया गया कि उस substance की behavior पे focus किया जाए जो initiate करता है, decompose करता है reaction और synthesis को, decomposition करता है और initiate करता है reaction को, उस पर focus किया जाए। At the time no understanding existed on a molecular level of reaction rate. बट एट इस समय कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि एग्जिस्ट कैसे कर रहा है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर रिएक्शन रेट में। फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस इट रिक्वायर अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ईआर। अब गाइस, ये पढ़ने वाली बात है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है गेट में। जो हमारा जैसे कि हमारा पैदा का अकॉर्डिंग टू ब्रेजिलियस की बात करें, तो हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी ईआर है वो किस तरीके से, मतलब उसको हम एक्टिवेस्ट एनर्जी या क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। इट रिक्वायर सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको बहुत कम अमाउंट में एनर्जी की जो जरूरत होती है उसको हमने एक्टिवेशन एनर्जी या का नाम दे दिया। इफ़ अ सब्सटेंस कॉल्ड लोअर दिस एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट इट सेल्फ बींग चेंज और कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, इट कॉज अ कैटलिस्ट और अ कैटालिटिक एजेंट। दिस एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिसिस। जैसे हमने पहले बात किया, यदि कोई सब्सटेंस लोअर एक्टिवेशन एनर्जी को बिना खुद चेंज किए या कंज्यूम किए रिएक्शन के दौरान, मतलब कि समझ लीजिए गाइस, आप कैटलिस्ट हैं, कोई प्रोसेस चल रहा है, आप कैटलिस्ट हैं, दो पॉलीमर के बीच दो मोनोमर्स हैं या फिर उससे ज़्यादा मोनोमर्स, उनके साथ रिएक्शन हो रहा है, पॉलीमर बन रहा है, उसके कैटलिशन के अंदर आप एनर्जी खुद तो नहीं ले रहे हो, खुद चेंज नहीं कर रहे हो और ना खुद कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन रिएक्शन के दौरान वो कैटालिटिक एजेंट कहला जाता है, फिर आपको कैटालिटिक एजेंट का नाम दे दिया जाएगा या कैटलिस्ट कह दिया जाएगा, तो आप कैटलिस्ट कहला दिए। मतलब वो खुद एनर्जी को ना कंज्यूम कर रहा है, ना खर्च कर रहा है और ना वो बदल रहा है,
बस उसके अंदर रिएक्शंस हो रही हैं जिसका कंक्लूजन नहीं निकल पाया था अभी तक। दिस एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड, जो एक्शन करता है वो कैटलिस्ट उस रिएक्शन का, उसको कैटेलाइसिस प्रोसेस कहते हैं दोस्तों। द कैटलिस्ट रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिंग पाथवे फॉर रिएक्शन टू अकर। जो कैटलिस्ट रिड्यूसेस करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, जो कम करता है अल्टरनेटिंग पाथवे जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके द्वारा, वो हमारे रिएक्शंस में दिखाई दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे तीन ऐसे एस्पेक्ट्स की कैटलिस्ट एक्शंस में जो मेन इंपॉर्टेंस है। टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, इट विल चेंज इटसेल्फ ड्यूरिंग द प्रोसेस बाय इंटरेक्टिंग विद अदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। मीन्स यदि हम कोई पार्ट रिएक्शन की बात करें, वो खुद से चेंज नहीं होगा, इट विल चेंज इटसेल्फ प्रोसेस के दौरान, बट इंटरेक्ट करता है अदर रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल से, तो अल्टरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। दो पॉइंट्स है इसके। इन मोस्ट केसेस द रेट ऑफ रिएक्शन आर इंक्रीज बाय द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, हाउएवर इन सम सिचुएशन द रेट ऑफ अनडिजायर्ड रिएक्शन आर सिलेक्टिव सुप्रेस्ड। मतलब ज़्यादातर केसेस में देखा गया है रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज होती है दोस्तों, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं या कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती है वो अनडिजायर्ड रिएक्शंस हो जाती हैं किसी अलग रिएक्टेंट के साथ और वो सुप्रेस्ड हो जाती हैं अंदर ही अंदर ही हमारे कैटलिस्ट। अब रिटर्निंग की बात करें, रिटर्निंग टू इट ओरिजिनल फॉर्म आफ्टर रिएक्शन साइकिल अ कैटलिस्ट विद द एग्जैक्टली द सेम नेचर इज अ रिबॉर्न। यदि रिएक्शन हो जाता है, जो कैटलिस्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम नेचर में दोबारा से प्रोड्यूस हो जाता है, रिबॉर्न हो जाता है उसका। इन प्रैक्टिस अ कैटलिस्ट हैज़ इट लाइफ स्पैन, इट रिएक्टिवेट्स ग्रेजुअली ड्यूरिंग द यूज़। मतलब ये कहने का मतलब क्या है गाइस, आपने जैसे कि समझते होंगे लाइफ स्पैन का मतलब पूरा लाइफ इंटरकाल, मतलब लाइफ साइकिल, उस पूरे साइकिल में, प्रोडक्शन या प्रोसेस के साइकिल में जो प्रैक्टिस हुई है कैटलिस्ट से वो डीएक्टिवेट हो जाती है ग्रेजुअली ड्यूरिंग द यूज़ के दौरान। ओके दोस्तों, अब हम रिक्वायरमेंट्स, जनरल रिक्वायरमेंट फॉर अ गुड कैटलिस्ट, क्या रिक्वायरमेंट है गुड कैटलिस्ट के बताइए दोस्तों। सबसे पहला है कैटलिटिक एक्टिविटी, सेकेंड वन इज ए कैटलिटिक सिलेक्टिविटी एंड द थर्ड वन इज कैटलिटिक स्टेबिलिटी। मतलब कि तीन रिक्वायरमेंट को आप ध्यान में रखिए जिससे कि आप पता कर पाएंगे ये अच्छा कैटलिस्ट है नहीं। यदि इसके अंदर एक अच्छी एक्टिविटी हो, उस कैटलिक के अंदर अच्छी एक्टिविटी हो, अच्छी सिलेक्टिविटी हो, कैटलिटिक सिलेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए तभी गुड कैटलिस्ट कैटलिस्ट कहलाएगा। स्टेबिलिटी होनी चाहिए उस कैटलिस्ट के अंदर, उस प्रोसेस रिएक्शन को स्टेबल करके रखे रिएक्शन को। तो ये होता है, अब हम तीनों की बात करेंगे। अब हम पहले बात करेंगे कैटलिटिक एक्टिविटी। ए कैटलिस्ट शुड बी एबल टू पास थ्रू द कैटलिटिक साइकिल मल्टीपल्स टाइम। हायर द नंबर ऑफ टाइम्स द कैटलिस्ट पासेस थ्रू दिस साइकिल, हायर इन द इज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट कैटलिस्ट। मतलब ए कैटलिस्ट शुड बी एबल टू पास थ्रू द कैटलिटिक साइकिल मल्टीपल टाइम्स। मतलब कैटलिस्ट जो होता है वो एबल होता है कैटलिटिक साइकिल के थ्रू पास होने के लिए मल्टीपल टाइम, कई बार। लेकिन हायर नंबर ऑफ टाइम कैटलिस्ट पासिस थ्रू दिस साइकिल, लेकिन हायर नंबर ऑफ प्रत्येक एक साइकिल में वो पास होता है। हायर इज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, वो जो हायर होता है वो एक्टिविटी कहलाती है उस कैटलिस्ट की, इसीलिए ये कैटलिटिक एक्टिविटी भी होता है। मतलब कि वो जो हायर अमाउंट ऑफ एक्टिविटी होगी उस कैटलिस्ट की अलग अलग रिएक्टेंट के साथ, वही उसकी कैटलिटिक एक्टिविटी कहलाएगी। द नंबर ऑफ टाइम डेट अ कैटलिस्ट कैन गो थ्रू दिस साइकिल कन्वर्टिंग सब्सटेंस मॉलिक्यूल टू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज अ टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर इज द ऑल्सो कॉल्ड अ हायर इज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। गाइज आप जैसे समझे होंगे, नंबर ऑफ टाइम्स कैटलिस्ट का गो थ्रू दिस साइकिल, कन्वर्ट कर रहा है सब्सट्रेट मॉलिक्यूल टू प्रोडक्ट में, मतलब कोई भी सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है उसको कन्वर्ट करने में प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहा है, उसको हम टर्नओवर नंबर कहते हैं। और इसमें कहा है हायर इज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, मतलब टर्नओवर नंबर इज द ऑल्सो कॉल्ड हायर इज द एक्टिविटी। सो हायर इज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट इज ऑल्सो कैटलिटिक एक्टिविटी। ओके फ्रेंड, इन होमोजीनियस सिस्टम्स द टर्नओवर फ्रीक्वेंसी, इन होमोजीनियस सिस्टम अब दो होते हैं होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस। होमोजीनियस जिसमें घुल जाए, पानी में जो घुल जाए, वो टाइप का जो कैटलिस्ट होता है वो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी डिफाइंड कैसे की जाती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस कन्वर्टेड पर सेकेंड विच इज़ द टर्नओवर नंबर इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि प्रत्येक सेकेंड में सब्सटेंस जो कन्वर्ट हो रहा है
उसके टर्नओवर में सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो उसका होमोजीनियस सिस्टम का टर्नओवर फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। इट डिपेंड्स ऑफ द, अब ये डिपेंड किस किस पे करता है, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड अपॉन द एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ये डिपेंड करता है एडजॉर्प्शन पे, रिएक्टेंट के जो सरफेस पे, कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्प्शन है उसके रिएक्टेंट पे वो डिपेंड करता है। केमिसॉर्प्शन इज द मेन फैक्टर गवर्निंग द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, केमिसॉर्प्शन है। अब केमिसॉर्प्शन क्या है दोस्तों, अभी मत पूछना, मैं अगले वीडियो में आपको केमिसॉर्प्शन भी बताऊंगा। द बॉन्ड फॉर्म ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन बिटवीन द कैटलिटिक सर्फेस एंड द रिएक्टेंट मस्ट नॉट बी टू स्ट्रॉन्ग और टू वीक, मतलब यदि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एडजॉर्प्शन के दौरान, एडजॉर्प्शन जो है उसके दौरान बॉन्ड फॉर्म होगा कैटलिटिक सर्फेस के और रिएक्टेंट के बीच में, कैटलिटिक का जो सर्फेस उसके रिएक्टेंट के बीच में होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या ज़्यादा वीक हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। अब हम एडजॉर्प्शन ज़्यादा आ रहा है, अब हम एडजॉर्प्शन पे देखते हैं, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे आगे। अब पहले सेकंड कैटलिटिक सिलेक्टिव क्या है, कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक कंपाउंड, ये तो आप सभी जानते होंगे, हाईली स्पेसिफिक कंपाउंड तभी तो यूज़ कर रहे हैं। दे हैव एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू यील्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इसकी एबिलिटी है वो डायरेक्ट रिएक्शन करने में यील्ड तक पहुँचने में, पर्टिकुलर प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन विद सेम रिएक्टेंट बट डिफरेंट कैटलिस्ट में यील्ड डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मतलब कैटलिटिक का सिलेक्टिव बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, जो यील्ड तक डायरेक्ट पहुँचाए ऐसा कैटलिस्ट चुनो, डायरेक्ट यील्ड प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन विद सेम रिएक्टेंट बट डिफरेंट कैटलिस्ट में भी डिफरेंट प्रोडक्ट, रिएक्शन जो होता है वो सेम होता है रिएक्टेंट्स के साथ, लेकिन डिफरेंट कैटलिस्ट का यील्ड शायद डिफरेंट प्रोडक्ट यील्ड आता है, किसी का ज़्यादा आता है किसी का कम आता है, वो कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करता है, इससे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज टर्म एज सिलेक्टिव ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इज हाईली सिलेक्टिव इन नेचर, कैटलिस्ट जो है हाईली सिलेक्टिव है नेचर में। दिस टर्म इज़ द सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो हाईली सिलेक्टिव होता है नेचर में मतलब कि एंजाइमेटिक कैटलिस्ट, अब एंजाइमेटिक कैटलिस्ट है वो मैं आगे बात करूँगा, वो सिलेक्टिव कैटलिस्ट कहलाता है। अब हम बात करेंगे गुड कैटलिटिक स्टेबिलिटी, एक गुड कैटलिस्ट शुड रेजिस्ट टू डीएक्टिवेशन कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन अ फीड। फर्स्ट, गुड कैटलिस्ट शुड रेजिस्ट टू डीएक्टिवेशन को वो रेजिस्ट करके रोकता है, उसका कारण होते क्या क्या, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन फीड लीड इन द पेट्रोल पॉइजन डिविजन, थर्मल डिटेरियोरेशन, मोर्टेलिटी एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स के, अट्रीशन ड्यू टू मैकेनिकल मूवमेंट और प्रेशर शॉक। सॉलिड कैटलिस्ट शुड हैव अ रिस्पॉन्सिबल लार्ज सरफेस नीडेड फॉर रिएक्शन, जरूरत से बात है, सॉलिड कैटलिस्ट अब क्या होता है उस पर भी हम बात करेंगे। दिस इज यूजली अचीव बाय मेकिंग द सॉलिड इनटू अ पोर स्ट्रक्चर, अब क्या है दोस्तों, जो पोर्स स्ट्रक्चर होता है और सॉलिड स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, पोर्स स्ट्रक्चर मतलब जिसे छिद्र हो जिसके अंदर पानी की मात्रा और मॉइस्चर कंटेंट जा सके, उस तरह की कैटलिटिक स्टेबिलिटी भी हम बात करते हैं। अब कैटलिस्ट लोअर ईए की बात करते हैं, कैटलिस्ट यदि ग्राफ आप जैसे कि आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये विदाउट और ये विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट की मैं बात करूं, तो कैटलिस्ट वर्क बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिंग रिएक्शन पाथवे विच एज अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट वर्क करता है अल्टरनेटिंग रिएक्शन के साथ, पाथवे के साथ, लेकिन कम एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। विदाउट कैटलिस्ट यदि मैं देखूं तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, लाइन सीधी जा रही है, यह है डेल्टा एच डेल्टा ई है, ये एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है मैं उसे अगले वीडियो में बताऊंगा। विदाउट कैटलिस्ट देखिए ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, और यदि कैटलिस्ट यदि हम डाल देते हैं इसके अंदर इंक्रीजिंग रेट में बढ़ोतरी आएगी फ्रेंड्स, ये इंक्रीजिंग यहाँ था, ये बढ़ोतरी आई, पहले यहाँ से मुड़ता हुआ गया, यहाँ से टर्नओवर कम है, ये देखिए यहाँ से टूट गया है, और इसकी हाइट देखिए ये की जो हाइट यहाँ से है, और ये की यदि मैं हाइट देखूँ यहाँ से तो बहुत हाईएस्ट होगी, है ना फ्रेंड, लेकिन डेल्टा एच में कोई नहीं आया है, डेल्टा एच में कोई, डेल्टा एच है क्या, हीट प्रोड्यूशन, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल विच हैव एनर्जी इन एक्सेस ऑफ द मिनिमम रिक्वायर्ड सो मोर विल रिएक्ट। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट की बात करें कैटलिटिक रिएक्शन में, तो दिस टाइप ऑफ कैटलिस्ट क्लासिफिकल बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, कैटलिस्ट कैन बी गैस लिक्विड सॉलिड, फिजिकल की बात करें तो
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सब्सटेंस फ्रॉम विच अ कैटलिस्ट इज मेड, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, बिल्कुल सही, जैसे पॉलीमर है। अब गैस लिक्विड और इनऑर्गेनिक में गैसेस मेटल, मेटल ऑक्साइड, इनऑर्गेनिक एसिड बेसिस एक्सेट्रा, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक एसिड एंजाइम्स। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन विच कैटलिस्ट वर्क ऑन वर्क होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, मैंने पिछले भी अभी बात की थोड़ी देर पहले, होमोजेनस और हेट्रो दो तरह के होते हैं। बोथ कैटलिस्ट एंड ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज, गैस और अ लिक्विड, गैस और अ लिक्विड इज द टाइप ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम इन्वॉल्व्स मल्टी फेज, अलग अलग फेजेस में हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट प्लस रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैटलिस्ट एक्शन, एक्शन के बेस पे यदि मैं करूँ तो एसिड बेस कैटलिस्ट, एंजाइमेटिक एसिड कैटलिस्ट जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, इलेक्ट्रोलाइसिस कैटलिस्ट, फोटो कैटलिसिस एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। आप कैटलिस्ट की मैं बताऊँ मेटल के हिसाब से, हाइड्रोजनरेशन, निकल, आयरन, हैबर प्रोसेस में, RHPD कैटलिटिक कन्वर्टर में, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स और विडेनियम के ऑक्साइड्स, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और डिहाइड्रेशन रिएक्शंस में कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं दोस्तों। इसे आप पढ़िए, गूगल सर्च करिए, और यदि कुछ भी और क्वेरीज है तो मैं इस पे भी आप वीडियो बनाऊंगा अलग से सेपरेट, केमिकल प्रोसेस और रिएक्शंस। फाइनली डिवाइडेड इंक्रीज द सरफेस रेट, यदि रेट सरफेस रेट एरिया इंक्रीज कर दिया जाए तो वो डिवाइडेड हो जाएगा। प्रोवाइड मोर कोलिजन साइट्स, मोर कोलिजन साइट्स प्रोवाइड करा इन अ सपोर्ट मीडियम, मैक्सिमम सरफेस एरिया एंड रिड्यूस कॉस्ट। यदि हम सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज कर दिया जाए तो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं सपोर्टिंग मीडियम की तरह से, यदि कैटलिस्ट में देखा जाए तो। कैटलिटिक प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इन 3 मेन स्टेप टाइप्स, अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा, मेन समझ ही होगा, बाकी सब तो फालतू है, सॉलिड, गैस, लिक्विड, ये सब इनके फेजेस है जिस फेजेस में कैटलिटिक को हम यूज़ कर सकते हैं, बट मेन तो तीन है। जो ये फेजेस इन तीनों के अंदर इंक्लूड होते हैं वो होते हैं हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड एंजाइमेटिक कैटलिस्ट। एंजाइमेटिक कैटलिस्ट क्या है? एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं और सेमी सिंथेटिक, बट बायो कैटलिसिस है, मतलब कि बायोसिन, बायो एंजाइमेटिकों का मतलब कि नेचुरल सब्सटेंस। तो अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन की। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस क्या है? कैटलिस्ट आर इन अ डिफरेंट फेज टू रिएक्ट यूजली सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट तक रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल सॉलिड कैटलिस्ट इन अ गैसियस रिएक्शन, बिल्कुल सही। इट इज अ कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेट साइट्स ऑन द कैटलिस्ट सर्फेस, यदि हम कैरेक्टराइज करें एक्टिव साइट की प्रेजेंस को कैटलिस्ट सर्फेस पर तो एक्शन टेक्स प्लेस एट एक्टिव साइट ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड, गैसेज आर एडजॉर्ब्ड ऑन टू द सर्फेस, दे फॉर्म अ वीक बॉन्ड विद मेटल एटम, जैसे कि डिकम्पोजिशन। अब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो ऑफ H2O2 विद MnO2 एज अ कैटलिस्ट, MnO2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को H2O2 के साथ जब हम कैटलिस्ट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, H2O2 को तोड़ देता है। सॉलिड कैटलिस्ट एक्टिव फेज, जैसे मैंने बोला फेजेस होते हैं, वेयर द रिएक्शन अक्कर मेटल ऑक्साइड, दिस इज द सॉलिड्स। प्रोमोटर्स क्या होते हैं? प्रोमोटर्स पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, प्रोमोटर थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन ये भी कैटलिस्ट की तरह है बट उसके काम भी थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। टेक्सचुअल प्रोमोटर, इलेक्ट्रिक और स्ट्रक्चरल मॉडिफायर और पॉइजन रजिस्टर प्रोमोटर, ये तीन प्रोमोटर्स हैं। टेक्सचुअल प्रोमोटर में एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन फॉर NH3 प्रोडक्शन के लिए, मतलब अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक और स्ट्रक्चरल मॉडिफायर और पॉइजन रजिस्टर प्रोमोटर, ये सब भी कैटलिस्ट की तरह ही है बट इसका कुछ और भी काम होता है फ्रेंड्स। सपोर्ट करियर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं सॉलिड कैटलिस्ट। सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, 98% सरफेस सप्लाइड विद इन द पोर्स स्ट्रक्चर, यदि पोर्स स्ट्रक्चर हमें 98% सरफेस एरिया को सप्लाई देते हैं, मे और मे नॉट बी कैटलिटिक एक्टिव, ये कैटलिटिक एक्टिव भी हो सकते हैं और कैटलिटिक एक्टिव नहीं हो सकते हैं। सॉलिड कैटलिस्ट सम कॉमन सॉलिड सपोर्ट करियर मटेरियल, अल्मोनिया, सिलिका, जियोलाइट, एल्यूमिना, इनएक्सपेंसिव सरफेस, इनएक्सपेंसिव सरफेस एरिया 1-7 m²/g, एसिडिक होता है ये। सिलिका की बात करें, इनएक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता सिलिका। सिलिका क्या है यार, रेत में पाया जाता है सिलिका, आप जानते ही होंगे ना। अब क्या है, जो सीसा होता है वो क्या है, वो सिलिकेट है, बोरोसिलिकेट। अब वो सिलिकेट कहाँ पाया जाता है? सैंड में, सैंड को हम वो करते हैं,
यदि आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपके एक वीडियो बनाऊंगा जिससे मैं उस सैंड का यूज़ करके उसको फिल्टर्ड करके मैं उसे ग्लास बना के दिखा सकता हूँ आपको। बस उसको वो टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए फर्नेस चाहिए। सो अभी नहीं करेंगे, तब तक ये पढ़ते हैं। सरफेस एरिया 100 to 800 m2g पर एसिडिक। जियोलाइट क्या है? मिक्सचर ऑफ एलुमिना एंड सिलिका, एलुमिना और सिलिका का मिक्सचर जियोलाइट क्या है। ऑफ्टन एक्सचेंज मेटल आयन प्रेजेंट, मेटल आयन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। सेप सिलेक्टिव होती है। सॉलिड कैटलिस्ट अदर सपोर्ट्स टाइटेनिया, जीरोकिया, मैग्नीशिया, लेथेना, एक्टिव कार्बन, बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। होमोजीनियस कैटलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन द सेम वे यूजली इन द इक्वस स्टेट। इक्वस स्टेट में जो वो कैटलिस्ट होमोजीनियस कैटलिस्ट क्या था पहले तो ये समझ लीजिए। कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों सेम फेज में। रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू अ इंटरमीडिएट स्पीसीज विद लोअर एनर्जी, दे यूजली मोर देन वन रिएक्शन स्टेप, एक रिएक्शन स्टेप से ज़्यादा होता है होमोजीनियस कैटलिसिस में, ये ध्यान में रखिए। ट्रांजिशन मेटल आयन आर ऑफ्टन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस की चांसेस भी बरकरार होते हैं इसके अंदर दोस्तों। ट्रांजिशन यदि मेटल आयन का ट्रांजिशन होता है तो। सर्वल होमोजीनियस कैटलिटिक सिस्टम्स क्या है? एसिड बेस कैटलिसिस, कैटलिसिस बाय मेटल आयन, कैटलिस्ट बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस, कैटलिस बाय लुइस एसिड, कैटलिस बाय पॉर्फिनिल कॉम्प्लेक्सेस, सो ऑन, कैटलिसिस बाय एंजाइम्स। अब देखो हाबर प्रोसेस क्या होता है, आप अभी अभी देख रहे होंगे। 3H2 प्लस N2 गिव राइज करता है 2NH3 Fe। Fe क्या है? Fe इज द कैटलिस्ट, इज द सॉलिड कैटलिस्ट जो हाबर प्रोसेस में यूज हुआ है। Pt(V2O3)5 क्या है? वेडिनियम ऑक्साइड क्या है? ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हो रहा है। हाइड्रोजनेशन क्या है? CC डबल बॉन्ड है। हार्डनिंग ऑफ ऑयल, हार्डनिंग ऑफ ऑयल वेजिटेबल ऑयल टू मरगरियन ऑयल, मतलब C2C2 CH2CH2 मतलब 2 मीथेन इथेन और C4H4+H2। तो इसके अंदर अब हम हाइड्रोजनेशन करते वक्त में निकेल यूज़ करेंगे जिससे कि ये टूट जाएगा और CH3CH2 बनाएगा। पहले हमारे पास 6 है, ये 2 जुड़ गया, 2 जुड़ने पे ये 1 जुड़ गया, एक साथ हाइड्रोजनेट हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, वो भी किसकी? निकेल की मदद से। कैटलिस्ट कैरेक्टराइजेशन क्या है? अब देखो आपके सामने है दोस्तों, इसमें मैं पढ़ के बताऊँ या ये, तो उसको वीडियो को आप स्टॉप कीजिए, इसे पढ़िए और मुझे बताइए कमेंट में आपको कैसा लगा। ये मैंने आपके लिए बनाया है पूरा। एलिमेंट्स कंपोजिशन है, फेज क्रिस्टलिनिटी है, मॉर्फोलॉजी है, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी क्या है, स्कैनिंग, ये सब मेथड्स हैं जिस मेथड से हम करेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं। सारे मेथड्स हैं, बेट एंड लैंग्रेज, हेलेंडाप, ओके दोस्तों, इसको थोड़ा पढ़िएगा। कैटलिस्ट रिड्यूसिबिलिटी और टेम्परेचर प्रोग्राम रिडक्शन, ये मैं आपको बताऊँगा। कैटलिस्ट रिड्यूसिबिलिटी मतलब डिस्पर्शन, पार्टिकल साइज ऑफ एक्टिव मेटल का डिस्पर्शन। कोकीमोसोर्फन TEM क्या आपको पता नहीं होगा, मैं इसका बता देता हूँ। TEM है टोटली इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक टेम्परेचर प्रोग्राम रिडक्शन, ये एक मैथड ही है और कुछ नहीं है। ये सारे मैथड्स हैं फ्रेंड्स। थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये आपको बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखिए दोस्तों। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, यदि आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। और कोक मेजरमेंट के लिए होता है। एप्लीकेशंस क्या है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं। ऑलमोस्ट ऑल केमिकल इंडस्ट्री हैव मोर स्टेप्स इन्वॉल्विंग कैटलिस्ट। सही बात है, यदि हम इंडस्ट्री स्केल्स पर करते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और लेबोरेटरी स्केल्स की बात अलग है। पेट्रोलियम, एनर्जी सेक्टर, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल एंड फाइन केमिकल्स में यूज होता है इंडस्ट्री एप्लीकेशन। एनवायरमेंटल में यदि मैं देखूं, पोल्यूशन कंट्रोल एंड कॉम्बिनेशन विद इंडस्ट्रियल प्रोसेस, प्री ट्रीटमेंट, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट, कंपोजिशन इमिशन, कैटलिस्ट यूज करते हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट, वंस फॉर्मेट रिड्यूस द कन्वर्ट इमिशन, पहले प्री ट्रीटमेंट फिर पोस्ट ट्रीटमेंट, जो कन्वर्ट हुआ इमिशन उसको रिड्यूस करना है। अल्टरनेटिव मटीरियल्स, पोल्यूशन गैस, लिक्विड सॉलिड के थ्रू इसका रिडक्शन, गैस में कन्वर्टिंग हार्मफुल गैसेस टू नॉन हार्मफुल वंस में बदलने के लिए। लिक्विड में डी पोल्यूशन करने के लिए, डी ऑर्डर करने के लिए जिससे बदबू ना हो, डी कलर करने के लिए उसका कलर गंदगी वाला कलर उसको साफ करने के लिए, इन सब के लिए हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। सॉलिड के लिए लैंडफिल फैक्ट्री वेस्टेज को, उसको लैंडफिल को अच्छा करने के लिए। एडवांटेजेस क्या? बहुत सारे एडवांटेजेस है यार, रेट ऑफ रिएक्शन को तो इंक्रीज करता ही है फर्स्ट।
फास्ट होता है। सिंपली द रिएक्शन स्टेप्स लो इन्वेस्ट कॉस्ट होती है, रिएक्शन स्टेप लो इन्वेस्ट कॉस्ट होती है। कैरी आउट रिएक्शन अंडर माइल्ड कंडीशन, लो टेम्परेचर प्रेशर, लो एनर्जी कंजप्शन। ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन नहीं होगी तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा तो ज़्यादा एनवायरमेंट प्रदूषण नहीं होगा। तो ये सब सारे फैक्टर अच्छे हैं कैटलिटिक प्रोसेस के। रिड्यूसिंग वेस्ट, इंप्रूविंग सेलेक्टिविटी टूवर्ड डिजायर्ड प्रोडक्ट, लेस रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, लेस अनवांटेड वेस्ट, वेस्ट कम होता है पहले पता चलता है। रिप्लेसिंग हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल विद रेडली अवेलेबल वंस, प्रोड्यूसिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट मे नॉट बी पॉसिबल विदाउट कैटलिस्ट। कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो बिना कैटलिस्ट के पॉसिबल ही नहीं, हैविंग अ बेटर कंट्रोल, लाइक जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट का नाम सुना होगा आपने, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पढ़ा है? पॉलीमर इंजीनियर्स बोलो यार, कमेंट करो, जरूर पढ़ा होगा। उसमें जिगलर नाटा कैटलिस्ट चाहिए। किसमें चाहिए, लो डेंसिटी पॉलीथीन या हाई डेंसिटी, मुझे कमेंट करके बताओ। हैविंग बेटर कंट्रोल ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस में एक अच्छा कंट्रोल होता है, सेफ्टी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एंक्रेजिंग एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मटेरियल। हिस्ट्री क्या कैटलिस्ट की, अभी तक तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, बट हिस्ट्री क्या, आया कहाँ, नाम किसने दिया पता है, ब्रिजेलियस ने, लेकिन आया कैसे। कैटलिस्ट अ टर्म डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक मीनिंग टू एनूल और टू अनटू, और मीन्स ग्रीक मीनिंग एनूल मीन्स टू यू अंटी और टू पिकअप लेना। द कंसेप्ट ऑफ कैटलिसिस वॉज इन्वेंटेड बाय द केमिस्ट एलिजाबेथ ने इन्वेंट किया फुल फेम ने 1794 में, नोवल वर्क इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू। द टर्म कैटलिसिस वॉज लेटर बाय यूज बाय जॉन जॉन बर्जीलियस, जो अभी हमने पढ़ा 1835 में और 1836। डिस्क्राइब रिएक्शन एंड एक्सेलरेटेड बाय सब्सटेंस इन रिमेन अनचेंज आफ्टर द रिएक्शन। हिस्ट्री ऑफ कैटलिस्ट, थ्री स्केल्स ऑफ नॉलेज एप्लीकेशन, टेरा स्केल, करंट स्केल और माइक्रो नैनो स्केल, सेलुलर नैनो लेवल फंक्शनलाइजेशन, रॉ मटेरियल्स, लार्ज स्केल सिस्टम डायनेमिक्स इश्यूज, ग्लोबल इकोनॉमिक बैलेंस, एनर्जी बैलेंस, स्केल ऑफ एंगेजमेंट। सम डेवलपमेंट्स इंडस्ट्रियल कैटलिसिस में बहुत सारे हैं यार। पहले मैं यदि बात करूँ 1920s के वक्त में, तो निकेल वगैरह यूज़ करते थे, विडेनियम वगैरह, जैसे कि आपने पहले पढ़ा, वेजिटेबल ऑयल बटर मार्जिन में बदलना। सेकेंड में 1930s से 1940s में कैटलिसिस टू की जाए, जिसमें हमने मॉन्ट क्ले यूज़ किया, AG एमोरफस सिलिकेट 1940s में, निकेल ये सब। इंडस्ट्रियल 1950s में पॉलीथिलीन, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, दिस इज अ जिगलर नाटा, टाइटेनियम इंडस्ट्रियल कैटलिसिस, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीब्यूटाडीन, स्टीम रिफॉर्मिंग, ये सब 1950s से हुआ है जो अभी भी हम कर ही रहे हैं। ब्यूटेडीन, ब्यूटीन, बाकी गाइस मैं सारे पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप पढ़िए बताइए मुझे कमेंट में। उन सारे कैटलिसिस के फॉर्म में 1970s में और थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, और कैटलिस्ट ढूंढे गए, एसिड गायन एक्सचेंज रेजिन ढूंढा गया, टोलिन बेंजीन एक्सिलिन, कैटलिटिक डिवेक्सिन, ऐसे ऐसे कैटलिस्ट ढूंढे गए। जितने पढ़ोगे डीपली आप समझते जाओगे। 1980s में मेथलोन से गैसोलीन में बदलने की टेक्निक आ गई, वो भी HGSM5 से। मैंने इस पर काम नहीं किया, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये भी एक कैटलिस्ट है। DMC से एसीटोन 1990s में, क्लोराइड, RUOC, फिनोल टू HQ और अल्कोहल में बदलना, फिनोल से अल्कोहल में, TS1, ओलिफिन पॉलीमर्स आगे, सब मेल्टा, मेल्टोसिन कैट्स, इथेन से एसिटिक एसिड कैसे, मल्टी कंपोनेंट ऑक्साइड्स यूज़ किए गए, फ्यूल सेल कैटलिस्ट यूज़ किया गया के लिए LT जेरिकोनिया। 2000 के बाद से सॉलिड कैटलिस्ट आए, 2000 प्लस के बाद से, 2000 के बाद से सॉलिड कैटलिस्ट आए जो बायोडीजल के लिए पहले यूज़ किए गए, जिसमें मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बायोडीजल, सॉलिड एसिड्स, हाइड्रो आइसोजेम कैटलिस्ट, सॉलिड एसिड हाइड्रो आइसोम कैटलिस्ट, कैटलिस्ट फॉर कार्बन न्यूट्रल्स,
कैटलिस्ट फॉर कार्बन नैनोट्यूब्स निकल CiO2। वाई आर कैटलिस्ट इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट क्यों है? अभी तक हमने सब कुछ पढ़ा, इम्पॉर्टेंट क्यों है? उसके बिना रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ाई जा सकती। सोचिए, कैटलिस्ट मेक अ रिएक्शन पॉसिबल अंडर अचीवेबल कंडीशन, नेसेसरी एक्सपेंसिव डेंजरस कंडीशंस को रिड्यूस कर देता है। इस वजह से जुड़ी है, हाई यील्ड बढ़ाता है, हाई प्रोडक्ट प्योरिटी बढ़ाता है, प्योरिटी अच्छी होगी प्रोडक्ट, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ साइड प्रोडक्ट एंड वेस्ट क्रिएटेड, जनरेट नॉन रेसेमिक मिक्सचर ऑफ एनटियोमर्स। अब पॉलीमर इंजीनियर ये मत बोलना एनटियोमर्स क्या होता है, हाँ ये मत बोलना, ये शुरू में ही बताया था, तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा अच्छे से यदि आप बोलोगे कमेंट करके। मेक अ केमिकल प्रोसेस ग्रीनर। तो यही सब फ्रेंड्स है, अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा गाइस स्प्रेड कीजिए इसको कोरोना वायरस की तरह, हाँ लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। कोरोना वायरस तो दिक्कत है बट ये फ़ायदेमंद है लोगों के लिए, चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलीमर के जितने भी आप यदि हैं तो फैलाइए वीडियोज़ को, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ज़्यादा नोटिफिकेशन है। तब तक मैं चलता हूँ, आपसे मिलता हूँ न्यू लेक्चर में, बाय दोस्तों।